Today I am going to discuss some important CIB ABM points. ये बहुत ही important है, हम हिंदी में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा, जिन्हें English नहीं आता वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. और इसका quality enhance करने के लिए यहाँ video के जो ऊपर में है quality को enhance कर लीजिए. 480 pixel में देखिए या 720 में, तो पूरा clearly जो मैं लिखा हूँ कॉपी में वो सब नज़र आएगा. एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, द सेल्फ कैन बी कैटेगराइज इनटू पैटर्न सेल्फ और इंडल सेल्फ. हम लोग, क्या होता है कि सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी आदमी खुद ही डेवलप हो, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता हो उसके लिए. तो इसमें दो टाइप का सेल्फ होता है, एक पैटर्न सेल्फ होता है, एक इनर सेल्फ होता है. पैटर्न सेल्फ को एक्सटर्नल सेल्फ भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी आदमी देखने में, कोई रिसेप्शनिस्ट है होटल की या किसी विमान में हम सफ़र कर रहे हैं उसका कोई रिसेप्शनिस्ट है, तो वो देखने में हमको क्या लगेगा कि ये विमान बहुत अच्छा आदि, कोई बहुत सुंदर सी लेडी वहाँ खड़ी है. तो हम लोग को एक्सटर्नल सेल्फ के मतलब होता है कोई फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखने से लग रहा, तो उससे हम लड़ाई नहीं करते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमको सेल्फ डेवलपमेंट, हमको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं. या कोई मैनेजर है देखने में बहुत स्मार्ट है, तो कोई कस्टमर आता है तो उसको इम्प्रेस करके अपना वो काम बैंक के लिए कर सकता है. उसी तरह इनर सेल्फ जो होता है कि कोई दिमाग से तेज हो, जिसका बुद्धि बहुत अच्छा हो, कोई जिसका परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग हो, तो उनको इनर सेल्फ में कैटेगराइज होता है. नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड एरर. यू नो अबाउट द स्टैंडर्ड एरर. इसको जिग्मा एक्स बार भी कहते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशंस को क्या करते हैं, जो सैंपल्स होता है उसको स्क्वायर रूट निकालते हैं. स्क्वायर रूट निकालने से सैंपल का हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल आता है. इससे हमको क्या निकलने में आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालने में आता है, जिसको हम जेड कहते हैं. जेड एक का फार्मूला जो होता है किसी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको दिया रहता है कि 92 का प्रोबेबिलिटी क्या है. तो एक्स बार जो हो गया 92 हो गया, और उसका जो मीन निकाले हैं, जो डाटा दिया रहता है उसका मीन निकाल लीजिए. स्टैंडर्ड एरर निकालने का तो फार्मूला पहले बता चुका है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई रूट ओवर एन. नाउ मूविंग टू अनदर पॉइंट, जिग्मा. जिग्मा हरदम जो भी जिग्मा होगा वो पैरामीटर होगा. पी से जो भी होता है पॉपुलेशन वाला को पैरामीटर कहते हैं, और एस वाला को स्टैटिक्स कहते हैं. तो एस इज स्टैटिक्स एयर. द वैल्यू ऑफ आर, कोरिलेशन कोफिशियंट एक है आर, ये हरदम जो होता है इसका वैल्यू जो होता है माइनस वन से लेके प्लस वन. यदि आप आर निकाल रहे हैं तो आर जब भी रहेगा कोरिलेशन कोफिशियंट, तो दो वैल्यू जरूर होगा. कौन, कोवेरियंस होगा. कोवेरियंस इक्वल टू एक्स और वाई, मैंने आपको एक बार एक्स दिया हुआ है कुछ वैल्यू 1 2 3 4 5, वाई में दिया हुआ है 9 10 11 12 14 15. तो आप इसका पहले मीन मीन निकाल कर, कोवेरियंस निकाल कर, उसके बाद डिवाइड कर देगा स्टैंडर्ड डिविएशन से, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, तो आर का वैल्यू निकल आता है. अच्छा, उसी तरह परफेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप क्या बोलते हैं दो वेरिएबल के बीच में. तो जब भी कोरिलेशन कोफिशियंट निकालते हैं दो वेरिएबल के बीच में ही होता है. जैसे आपको बताया कि एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और वाई का वैल्यू दिया रहेगा, उसका मीन निकाल लीजिए. उसके बाद कोवेरियंस का फार्मूला होता है, कोवेरियंस निकाल लीजिए, और कोवेरियंस निकालने के बाद उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको आर निकल आएगा. तो आप इससे मालूम चल जाएगा तो आर का वैल्यू नेगेटिव होगा तो उसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहेंगे, और आर का वैल्यू जीरो होगा तो नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कहेंगे. अच्छा, ये है बॉन्ड प्राइस. थोड़ा सा हम गलत लिख दिए थे. बॉन्ड प्राइस जब भी फॉल करता है तो मार्केट इंटरेस्ट राइज करेगा. उल्टा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मार्केट इंटरेस्ट के साथ. बॉन्ड प्राइस यदि राइज करेगा तो मार्केट इंटरेस्ट फॉल होगा. YTM इंक्रीज होगा. यील्ड टू मैच्योरिटी वैल्यू मीन्स होता है जो कूपन रेट दिया रहता है. या बॉन्ड का फॉर्म देखिएगा तो उसमें कूपन वैल्यू होगा, कूपन रेट होगा जो स्टार्टिंग वाला रेट कहते हैं, और कूपन रेट और फेस वैल्यू दिया रहता है. तो कूपन निकाल लीजिए, उसको मान लीजिए 1000 रुपया है, 10% कूपन रेट है, तो 10 × 1000 100 रुपया हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, कूपन फेस वैल्यू यदि 1000 दिया है तो यहाँ से आप कूपन रेट निकाल सकते हैं. उसके बाद इसको हम बहुत सारे कूपन वाला YTM वाला न्यूमेरिकली बताएं. इसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, लेसर होगा यील्ड में यदि वो इंक्रीज करेगा YTM. तो इन स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इसका कि हम आर जो कोरिलेशन बनाते हैं उसका हम लोग डायग्राम भी बनाते हैं. यदि नेगेटिव स्लोप होगा आर इक्वल टू माइनस वन में, तो वो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट. ये देखिए, ये फिर से वही फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर को, जिग्मा एक्स बार. इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है रूट ओवर, ये देखिए जिग्मा एक्स बार को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से. और जिग्मा इसको, इस नोटेशन को जिग्मा बोला जा रहा है, जिग्मा बाई रूट एन. ये किस लिए यूज होता है ये पूछ रहा है. इज यूज फॉर कंप्यूटिंग, दो चीज़ के लिए होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन विथ रिप्लेसमेंट, यदि रिप्लेसमेंट हो या इन्फिनाइट पॉपुलेशन. यहाँ पर पॉपुलेशन मल्टीप्लायर भी होता है, यदि आप जानते होंगे तो पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो होता है आपको याद रखना होगा, एन माइनस एन डिवाइडेड बाई
एन माइनस वन का रूट ओवर, ये फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर होता है, आप लोग जानते होंगे। इसी को, इस फाइनाइट पॉपुलेशन को यदि जोड़ दीजिएगा तो यदि फाइनाइट पॉपुलेशन का सिर्फ निकालना है तो ये वाला चीज़ जोड़ा जाता है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर नाम है इसका, मल्टीप्लायर। तो ये याद रखना है, एन क्या है, बड़ा वाला एन और छोटा वाला एन। तो ये बड़ा वाला एन हरदम पॉपुलेशन के लिए होता है, पॉपुलेशन सैंपल हो गया, बड़ा वाला एन क्या होता है, पॉपुलेशन सैंपल हो गया, और ये छोटा वाला क्या हो गया, सैंपल का नंबर ऑफ सैंपल हो गया, ये पॉपुलेशन सैंपल हो गया। स्टैटिस्टिक्स के लिए छोटा एन यूज करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर, जितना शेयर होगा टोटल एक्सपेंडिचर, मल्टीपल यूज ऑफ द कमोडिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ होगा कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर शेयर में कितना है, मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटी होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में जैसे टी और कॉफ़ी इज सब्स्टिट्यूट, क्लर्कियर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, यदि हम उसको सैलरी देते हैं तो उसको सैलरी बोलते हैं, और अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड स्टाफ को क्या कहते देते हैं हम लोग, वेजेस कहते हैं। मैनेजरियल को क्या देते हैं, रिम्यूनरेशन कहते हैं। सुपरविजरी को क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं। कोई सुपरवाइजरी कर रहा उसको क्या देंगे हम लोग, सैलरी देंगे। इन 360 डिग्री अप्रेजल मेथड, द अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन बाई सीनियर्स कॉलीग एंड सबॉर्डिनेट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि 360 डिग्री अप्रेजल हम जब करते हैं तो उसको कौन कौन द्वारा किया जाता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम एश्योर अस डेट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज नॉर्मल फॉर द लार्ज सैम्पल साइज। हम लोग लार्ज सैम्पल साइज एटलीस्ट 30 सैम्पल का रहता है, पर हम लोग कभी कल न्यूमेरिकल में देखते हैं 30 से नीचे कभी हम लोग बनाने में सॉल्व करते हैं। तो एक आदमी हमसे पूछा भी था मेरा वीडियो में कि 30 से क्यों नीचे ले लिए, तो 30 से क्यों, वो एग्जाम्पल है इसलिए हम लोग ले लिए थे। इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैज ए मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। क्या देखिए, नॉर्मली पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड मीन को और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन दोनों अलग अलग है। पॉपुलेशन वाला क्या होता है, पॉपुलेशन से ही हम लोग सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं, इसलिए यदि वो दोनों का भी इक्वल होगा, यदि हम कोई पॉपुलेशंस को हम लोग पॉपुलेशंस को यूज कर रहे हैं कोई स्टेटिक्स में, तो पॉपुलेशंस बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए कोई एरिया है कोलकाता, कोलकाता का पूरा पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा हो गया, और उसमें से हम कुछ आदमी के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं कि उसमें बैंकर कितने हैं, तो वो बैंकर वाला जो चीज़ है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हो गया। यदि वो दोनों को हम देखना चाहते हैं कि नॉर्मली कब माने इक्वल कब होगा, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा माने दोनों बराबर हो, या मीन वैल्यू और पॉपुलेशन का मीन वैल्यू दोनों, स्टेटिक्स मीन वैल्यू और पॉपुलेशन मीन दोनों बराबर हो जाए, या स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल साइज। ये कंडीशन है, सेंट्रल थ्योरम है, इसको कहते हैं सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स इज नॉट वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द बूम ऑफ रिसेशन, इट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन 4 फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल होता है, इस बिजनेस साइकिल्स को हम लोग इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं, ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। ये सिंक्रोनिक होता है, मैंने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होते रहता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और रेकरिंग इन नेचर। बूम में क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी फुली यूटिलाइज करता है बूम में। यदि बूम पीरियड होता है, एक रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, रिकवरी होता है, तब बूम में क्या होगा कि वो फुली यूटिलाइज होगा, ऑल्सो प्रोड्यूसर्स फेचेस अबो नॉर्मल प्राइस विथ दी हायर प्रॉफिट। बूम में ज़्यादा ही प्राइसेस देता है। जब हमारा रिसेशन होता है तो पीक माने बहुत सारा प्राइसेस घट जाता है। बिजनेस साइकिल आर हाईली अनप्रडिक्टेबल इसलिए बोला जाता है, बिजनेस साइकिल को हाईली अनप्रडिक्टेबली भी हम लोग बोलते हैं। ड्यूरिंग बूम पीरियड प्रोडक्शन कैपेसिटी फुली यूटिलाइज, हम लोग पूरा फुली यूटिलाइज कर लेते हैं, उसमें हम लोग हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है बूम में। बूम और प्रोस्पेरिटी रिचेस इट्स पीक। सप्लाई नाउ, जब हम रिसेशन में आएंगे तो वो क्या होगा, फॉल इन इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, बहुत ज़्यादा माने घाटा होगा, फॉल इन इनकम। आपका बिजनेसमैन को अपना
एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ कट करना पड़ता है। काहे कि ये जो है बहुत ज़्यादा लॉस में जाने के बाद होता है, बैंक क्रेप्टिस की ओर जाने लगता है। बहुत सारा कंपनी यदि रिसेशन पीरियड में रहेगा तो वो बैंक क्रेप्टिसी की ओर जाने लगता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, क्राइसिस भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट आने से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। बिजनेसमैन यदि कोई इन्वेस्टमेंट मांगना चाहता है, कोई भाई कुछ पैसा दो कुछ, हम रिसेशन पीरियड में इन्वेस्टमेंट का पैसा आना ही बंद हो जाता है बिजनेसमैन का, तो उसका बिजनेस फॉर्म होता है डिप्रेशन, उससे भी ख़राब होता है। उसमें क्या होता है कि डिमांड फॉल ज़्यादा हो जाता है, डिमांड ही नहीं रहेगा कुछ सी चीज़ का, या बना रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हो डिमांड नहीं रहे तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि डिमांड ज़्यादा जिसमें फॉल होता है वो डिप्रेशन होता है, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। बहुत दोनों आदमी उसमें क्या कहते हैं कि जो आदमी लोग वर्कर लोग हैं वो लोग पूरा पुअरली पेड होने लगता है, और उसको पैसा बहुत कम मिलेगा डिप्रेशन फेज में। उसमें नौकरी बचा रहता है, धीरे धीरे करके अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंड करने लगता है रिसेशन में। पर इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ही लॉस की ओर जाएगा तो डिप्रेशन आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारा कटेड भी पावर माने वेजेस कट होने लगता है, तो जिससे उसका वो होने लगता है। उसके बाद आ जाइए आप हम लोग का रिकवरी का टाइम क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आदमी लोग को नौकरी मिलने लगता है, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट आने लगता है, तो इसको हम लोग रिकवरी भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे पॉइंट भी पढ़ लें, ये तो आपको साइकिल बता दी थोड़ा। फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी एंड कार यूज फॉर फैक्ट्री वर्क कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे कि हाँ भाई फैक्ट्री वर्क के लिए। द चेंज कम्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम इन सिक्योर ट्रेन। सिक्योर ट्रेन वेरिएशन होता है तो लॉन्ग पीरियड में टाइम में होता है, यदि सीजनल में रहेगा तो शॉर्ट ट्रेन 1 साल के अंदर होता है, और यदि लॉन्ग पीरियड में ज़्यादा रहता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एट यूनिफॉर्म लेवल डेट इज मेजर्ड इन द ऑर्डर और स्पेस। सिस्टमेटिक में कि हम सेम तरह से चूज करेंगे, जैसे हम कभी सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 ठो स्टूडेंट का हम है मेरे पास टोटल पॉपुलेशन, मान लीजिए 50 सैंपल है, 50 सैंपल में सिलेक्ट करना है 5 ही लड़का को, तो हम क्या किए कि हर 10 रैंक वाला को उठा रहे हैं, 10वां 10वां रैंक का, या हम हर 9 9 रैंक वाला को उठा लिए, तो इसमें क्या हुआ कि वो सिस्टमेटिक हो गया। अब आ जाइए आगे, मार्केट डिमांड कर्व ऑब्वेज लॉ ऑफ डाउनवर्ड और स्लोपिंग डिमांड। हम डिमांड बताए थे, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड इज ऑलवेज क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घट जाता है। पर सप्लाई कर्व में क्या होता है, जितना जितना आपका प्राइस बढ़ रहा था सप्लाई भी बढ़ा देता है कंपनियां, फर्म कह के वो सप्लाई कर्व में फर्म आपको पैसा डालते हैं, तो यदि फर्म डालेंगे वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करने लगेंगे, क्यों, कहकर उनके पास पैसा प्रॉफिट हो रहा ना, तो ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई करेंगे। पर यदि प्राइस बढ़ा, ज़्यादा प्राइस होगा तो क्या होगा वहाँ पर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड में, पर सप्लाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, रेसिडुअल मेथड कैन बी यूज टू एनालाइज पास्ट साइक्लिक वेरिएशन नॉट फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर साइक्लिक वेरिएशन। पीछे मेथड माने पास्ट का साइक्लिक वेरिएशन हम निकालने के लिए रेसिडुअल मेथड यूज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रिक्वायर्स लेस टाइम एंड रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट देन द सिंपल रैंडम मेथड। कहीं लेस टाइम होता है, आपको मालूम है क्या करना है, बताया अभी, ए वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 1 इंडिकेट्स ए परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ ऑल द पॉइंट इन द स्कैटर डायग्राम। मतलब स्कैटर डायग्राम बनाएंगे तो आर जो होगा परफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है, इसका मतलब वो स्लोपिंग अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोपिंग अप मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हरदम स्लोपिंग अप, मतलब जैसे आप एक डायग्राम बना देते हैं, हम आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए स्लोपिंग अप, स्लोपिंग अप का मतलब हो गया ये हरदम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, देखिए बढ़ते जाएगा, तो ये हो गया स्लोपिंग अप, इसी को कहते हैं। आदि सप्लाई कर्व में भी इस डायग्राम को ही हम लोग यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्लोपिंग अप टू ले, पर डिमांड कर्व में हम लोग इस तरह का रहता है, अगर ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस, ये है प्राइस ये क्वांटिटी, तो इधर प्राइस ज़्यादा रहेगा तो क्वांटिटी कम डिमांड होगा, इधर प्राइस कम रहेगा तो प्राइस यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है, तो इससे आपको समझ में आ रहा। पर ये डायरेक्ट रिलेशन सप्लाई वाला में प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा देखिए डिमांड भी बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि वो उतना सप्लाई ज़्यादा करेगा, यदि प्राइस ज़्यादा बढ़ा है तो फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। अब आज ये रिपीटिटिव मूवमेंट अराउंड द ट्रेंड लाइन इन ए 4 मंथ पीरियड, ये किसका हुआ, सीजनल वेरिएशन होता है, डॉक्टर कि भाई 4 महीना में ही हमको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा, तो सीजनल वेरिएशन होता है। यूजिंग क्लस्टर सैम्पलिंग,
द क्लस्टर सैम्पलिंग होगा तो सिमिलर टू ईच अदर व्हेन द ग्रुप्स आर जनरली सिमिलर टू ईच अदर, मैंने बट देर इज कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन द ईच ग्रुप, कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन द ईच ग्रुप। क्लस्टर जो होता है जैसे कि मैप, इंडिया का मैप में हम झारखंड है या वहाँ पर है तो हाँ सब कोई अलग अलग है, एज ग्रुप मान लीजिए है तो सब अलग अलग एज ग्रुप का है बट सिमिलर है उस टाइप का देखे जाएंगे तो। पर यदि हम सेम एज ग्रुप का बनाना चाहते हैं तो अलग स्ट्रेटिफाइड होता है। यदि व्हेन द ग्रुप्स आर इसलिए सिमिलर टू इच अदर, ग्रुप यहाँ सिमिलर होगा पर उसके बीच में वेरिएशन होगा, पर ग्रुप ग्रुप सिमिलर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आठ आठ का ग्रुप है, एज 8 साल का बच्चा का ग्रुप है या 9 साल का बच्चा का ग्रुप है या 10 साल का, तो ग्रुप सेम रहा, ग्रुप अलग अलग रहा बट सेम टाइप का एज ग्रुप है तो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड। इसमें ग्रुप सेम रहता है। रिजल्ट ऑफ डिस्कार्टेड स्ट्रीम वैल्यूज बिफोर एवरेजिंग इज कॉल्ड मॉडिफाई मीन मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ रिसेसेबल इन द स्टॉक स्टेटमेंट। यदि हम कोई स्टॉक स्टेटमेंट बता रहे हैं और उसमें रॉन्ग हमको जानकारी जो दिया गया रिसेवल्स का, वो जानकारी जो उसमें हमको माल का दिया गया वो गलत दिया गया, तो कैसे हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाएंगे? तो उसको रिसेसेबल ऑडिट करा लेंगे, ऑडिट करा लेंगे जो उसको जानकारी है कि हाँ भाई जाकर देख लेगा। बैलेंस शीट क्रॉस चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट फिगर, और उसके बाद उसको बैलेंस शीट फिगर्स हम चेक कर लेंगे कि सही जो डाटा है वो आ रहा है कि नहीं। स्टॉक ऑडिट करवा लेंगे, इंस्पेक्शन खुद कर लेंगे जाकर। कूपन का तो याद है, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, यदि आपको मालूम चल जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट पेड इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू करेंट करेंट यील्ड होता है। एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट स्कार्सिटी अप्लाइज टू मेनी मनी और टाइम, मनी और टाइम को स्कार्सिटी लगाते हैं। इन मेजरमेंट ऑफ सिक्लोन ट्रेंड, तो ये सिक्लोन ट्रेंड जो होता है इसमें मूविंग एवरेज स्मूथ आउट द टाइम सीरीज, मूविंग एवरेज मेथड यूज होता है सिक्लोन ट्रेंड में, ये हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों। ट्रेंड प्रोजेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज काइंड ऑफ फोरकास्टिंग। द हेक्सियर ओहलिन अप्रोच टू इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंसाइट इन गेंस फ्रॉम ट्रेड, इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एंड इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन द इनकम ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर। एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स इकोनॉमिक ट्रेंड्स, पॉलिटिकल ट्रेंड्स एंड कम्पटिटिव ट्रेंड्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट क्यों होता है कंपनी का? जब कोई इकोनॉमिक ट्रेंड्स हम बताना चाहते हैं, पॉलिटिकल ट्रेंड्स चेंज हो रहा है या कम्पटिटिव ट्रेंड्स, मैंने कुछ मार्केट में कंपटिशन उसका बढ़ रहा है उसका। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना जॉब ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वर्किंग इन्वॉर्मेंट एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब होता है उसमें। 360 डिग्री फीडबैक इन्हेंसेज द क्वालिटी ऑफ एचआर मैनेजमेंट एंड एचआरडी। आरपीओ को क्या कहते हैं फुल फॉर्म? द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कोहरेंट कैरियर प्लान्स लिंक्स एम्प्लॉई परफॉर्मेंस एंड कैरियर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट नीड्स। द प्रोसेस बाय विच इन्फ्रेंसेज अबाउट ए पॉपुलेशन आर मेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन अबाउट ए सैम्पल इज स्टैटिकल इन्फ्रेंस। कोई भी इन्फ्रेंसेस होता है सैम्पल और पॉपुलेशन को, तो हम लोग उसको स्टैटिकल इन्फ्रेंस मैंने डिफरेंसेस हुए। ए कॉन्स्टेंट फ्लो पेड ऑन रिसीव एट रेगुलर टाइम इंटरवल फॉर एवर। यदि कोई भी चीज़ हमको फॉर एवर मिल रहा है, जैसे कोई हमको भाड़ा है, जो कोई हम बिल्डिंग किसी को भाड़ा पर दे दिए, तो हमको जिंदगी भर भाड़ा आने वाला है, क्योंकि वो उसको देने वाला, तो उसको परप्यूटी कहते हैं। देयर आर टाइप टिपिकल थ्री टाइप्स ऑफ ईगो स्टेट इन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू एरिक ब्रेन। तीन टाइप का है, पैरेंट एडल्ट और चाइल्ड, ये मालूम है एरिक ब्रेन ने बताया था। फॉर फिटिंग इट इज ए फॉर्म ऑफ कैपिटल फाइनेंस, इट इज यूज इन द एक्सपोर्ट फाइनेंस। अंडर दिस फाइनेंशियल डिस्काउंट द बिल ड्रॉन ऑन बायर। फॉर फिटिंग क्या होता है कि कैपिटल फाइनेंस होता है, इट इज यूज इन एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट किए हैं तब आता है पैरेंट। अच्छा, ये जो ट्रांजेक्शन एनालिसिस में क्या होता है कि हमारा तीन टाइप का ईगो स्टेट होता है। ईगो मैंने समझ में आता है ना, कोई जलता है, जैसे कम ब्रांचेस में भी कोई भी लेडी स्टाफ है, आपको देख के आपका काम देख कर जल रही है, तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या जल रही है यार, तो उसी ईगो स्टेट का नाम है पैरेंट एडल्ट और चाइल्ड। जो चाइल्ड होता है वो ज़्यादा क्या होते हैं, चाइल्ड इज कंसर्न टू क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी रिएक्शन टू अदर्स एंड एडजस्टिंग बिहेवियर। द चाइल्ड जो होता है क्रिएटिविटी होते हैं,
क्यूरियोसिटी होते हैं रिएक्शन टू अदर एडजस्टिंग बिहेवियर में आता है। एडल्ट ईगो स्टेट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट मोर फॉर द एनालिटिक रेशनल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, और पैरेंट स्टेट रेगुलेट्स बिहेवियर एंड न्यूचर्स इट। पैरेंट जो होता है कि आपको बिहेवियर को समझाएगा, ठीक है यार गलती हो गया चलो, आपको मैंने समझा, छोड़ो यार क्या उसका बात सुन रहा है, तो दैट इज नॉट पैरेंट ईगो, तो वो आपको यही करेगा। एडल्ट ईगो स्विच क्या करेगा कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशंस पे काम करेगा, जितना काम करना है जितना बात करना बात करेगा चला जाएगा। चाइल्ड जो होता है थोड़ा क्रिएटिविटी होता है, थोड़ा वो आपसे आपको रिएक्शन भी करेगा तो आपको कुछ बोल भी देगा, तो वो हो गया आपको चाइल्ड वाला। अभी एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटीज टू मार्जिनल, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर भी, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ए एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, यदि एडिशनल यूनिट से एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव होता है उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये फार्मूला है, ये तो आपको मालूम होगा, ये पैरेंट स्टेट रेगुलेट्स बिहेवियर एंड नर्चर्स इट मोर ऑफ द इथिकल कंसिस्टेंसियस बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई द प्रीचिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर। द एडल्ट ईगो स्टेट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेस इट मोर ऑफ एनालिटिकल रेशनल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होता है, वो आपसे उतना ही लगाव लगेगा जितना आपसे काम है। चाइल्ड इज कंसर्न विथ क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी, आप जो भी कुछ उसको सिखाइएगा वो सीखने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा इगोस्टिक भी रहता है। इसमें भी तीन टाइप का चाइल्ड में होता है, अडोप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड, डिजिटल प्रोफेसर, ये सब भी आप देख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप जानते होंगे, चेंजेस इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन पर। WPI को हम लोग क्या करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, CPI को कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज लीडिंग टू इंक्रीज इन इन कंज्यूमर प्राइस, अति कंज्यूमर प्राइस बढ़ गया है किसी डिमांड का तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन करते हैं। इंक्रीजेस ऑफ वेजेस एंड सैलरी, वेजेस ऑफ सैलरी इन देर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट, कि कोई लेबर का दाम बढ़ा दिया या कुछ रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं इसको वेजेस बढ़ गया है तो इसको इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट लीड टू इंक्रीज इन WPI कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। टुडे आउटपुट एज टुडेज प्राइस रिफ्लेक्ट नॉमिनल GDP, आज ही के दाम पे यदि कोई आउटपुट है किसी चीज़ का दाम आज ही के दाम पर निकालेंगे तो उसको नॉमिनल कहते हैं, और वैल्यू जब टुडे आउटपुट एज स्टैंडर्ड प्राइस को रियल GDP कहते हैं। अच्छा, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाई रियल GDP इक्वल टू GDP डिफ्लेटर बोलते हैं। 14 डेट सेटलमेंट साइकिल को क्या कहते हैं, रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। बदला सिस्टम को क्या कहते हैं, अभी जो चेंज हुआ है रिप्लेस्ड किया नाम इस सबका, बदला सिस्टम को हम लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर कहते हैं। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग रिप्लेसिंग ओपन आउटक्राई सिस्टम, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन कैपिटल मार्केट डिपोजिटरी सिस्टम वॉज रिप्लेस टू डीमेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, याद रखिए डिपोजिटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, DD याद रखिए, डीमेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। 14 डेज सेटलमेंट को रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं, बदला सिस्टम को BO याद कीजिए, BO 14 OR 14 डे आर, तो रोलिंग सेटलमेंट हो जाएगा 14 डे, रोलिंग आर मीन्स रोलिंग सेटलमेंट, BO मीन्स बदला, ओपन फ्यूचर, स्क्रीन बेस्ड मीन्स ओपन, SO BO SO DD, और 14 आर, इसको याद करने का तरीका था DD 14 आर BO SO, तो ऐसा ओसो एसओ का मतलब ओपन आउटक्राई सिस्टम। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल कौन सा डिफिनेशन दिया है वेलफेयर का, लियोन रोबी कौन सा दिया है स्कार्सिटी, एडम स्मिथ कौन सा दिया है वेल्थ डिफिनेशन, ब्रॉड मनी किसको कहते हैं M3 को, और M1 को क्या बोलते हैं नैरो मनी, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्लस डिफ्रेंसिएशन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट दोनों तरफ होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए, ये हो गया। आप थैंक यू वेरी मच।